नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो में प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने वाला हूं कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करें। आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाने वाला हूं, क्योंकि ये वीडियो पूरे यूट्यूब के ऊपर और ना ही कहीं किसी पोर्टल के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो को देखते देखते आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एफिडेविट कहाँ से आपको मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करके कैसे उसको करवाना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। प्रोसेस फॉलो में हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी, एक आपका आधार कार्ड की, एक आपके पैन कार्ड की, एक आपके टिकट साइज फोटो की, दूसरा आपकी एफिडेविट हमने डाउनलोड कर ली टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, जैसे प्रोजेक्ट आता है उसकी। ठीक है, हमारे पास ये 3 से 4 ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट आता है बैंक डिटेल, आपके पास बैंक की डिटेल साथ में लेके बैठे। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एफिडेविट, बैंक डिटेल, टिकट साइज फोटो, ये 5 चीजें आप अपने पास पहले से ही रखें जब आप एप्लीकेशन फिल करने जाते हैं। और एक चीज और बता देता हूं, मान लीजिए कोई अफोर्डेबल आने वाला है, उससे पहले आप अपना यूजर रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट वगैरह ये पहले ही अपलोड हो जाते हैं, और आप पे जैसे ये अफोर्डेबल आता तो आपको टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अफोर्डेबल आने से पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग पे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, और वो पूरा प्रोसेस आज मैं इस 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। लेकिन आपने एक हेल्प करनी है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, अच्छे लाइक देने हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं खुद अप्लाई कर रहा हूं अफोर्डेबल के ऊपर। और मैं भी जैसे अभी गंगा तथास्तु आया 35 में, मैंने भी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई किया है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी डिटेल आप देखोगे वो मेरी पर्सनल होंगी, और मैंने भी इसके अंदर आपको शुरू से लेके एंड तक जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगी वहां तक का पूरा प्रोसेस आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये वीडियो ना तो आपको कहीं कॉल करने की जरूरत है, ना ही किसी से एफिडेविट मांगने की जरूरत है, ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर है, इस वीडियो के अंदर, क्योंकि एफिडेविट का तो मैं पहले बना चुका हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और मैं आपको क्लियरिटी से समझाने वाला हूँ, और आपसे एक रिक्वेस्ट चाहिएगी, एक छोटा सा मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे, और हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल अपना है उसको फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको पर डे कुछ अपडेट न्यूज आपको रियल स्टेट की वो मिलती रहे। तो चलते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर और आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पे हमने टाइप करना है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, यानी ये टीसीपी हरियाणा। टीसीपी इस राइट साइड के कॉलम में जाके जहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें ऊपर यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने अपनी ईमेल आईडी है उसको फिल कर लेना है, कि जो भी आपकी ईमेल आईडी हो उसको आपने इसके अंदर प्रॉपर करेक्शन के तौर पर आपने डालना है। उसके बाद आपने लमसम 8 करेक्टर का आपने एक पासवर्ड क्रिएट करना है, अच्छी तरीके से जो आपको याद हो, इजी हो। ठीक है, पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपने कैप्चर को है उसको अच्छी तरीके से इसमें फिल करना है, और उसके बाद आपने रजिस्टर्ड है वो कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपका एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपने यहाँ पे डाल के इसको सबमिट करना है। तो जैसे ही ये सबमिट हो जाएगा तो एक एड्रेस का कॉलम ओपन होगा आपका, आपने यहाँ पे एड्रेस डाल देना है, अपनी डिटेल डाल देना, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल आपने डालना है। उसके बाद आपने सबमिट करना है। उसके बाद आपने अपने आधार कार्ड का एक साइड का मतलब कॉपी जो आपके पास फोन में हो या लैपटॉप में है उसको आपने अपलोड करना है। फिर एक कॉपी आपने अपने पैन कार्ड की अपलोड कर देनी है, और उसके बाद आपने एक जो फोटो है वो आपने अपलोड करना है। उसके बाद आपने एक डालना है इसके अंदर अपनी फोटोग्राफ, तो ये सब चीज़ें करने के बाद अपलोड कर देना है। तो उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे इसको। लॉगिन करने के बाद आपने ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया था उसके बाद आप उसको लॉगिन करें कैप्चर डाल के। कई बार ये साइट आपको
जो कई बार रिफ्रेश भी हो जाती है क्योंकि बर्डन होता है साइट के ऊपर, तो बार बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपको वो करना है। अब हम प्रोजेक्ट पे आ गए हैं, हमने अप्लाई करना है, लॉग इन कर लिया हमने, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। आपने जो अफोर्डेबल, क्योंकि सेम प्रोसेस है सभी अफोर्डेबल का, अब मैं आपको ततास्तु का ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऐसे अप्लाई हुआ, सभी ऐसे अप्लाई होने हैं। ऊपर है मैनेजमेंट कोटा की यूनिट और नीचे है नॉर्मल, तो मैंने सेलेक्ट किया 2 BHK आपका 2B का, तो इसको मैंने सबमिट किया, मेरी कैटेगरी है वो सेलेक्ट हो गई है। उसके बाद मैं जाऊंगा अप्लीकेंट प्रोफाइल के ऊपर, जो कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करते हुए मैंने किया था, वही मेरी सेम आ गई यहाँ पे। अब मुझे इसको भरने की जरूरत नहीं है, मेरा टाइम बच गया। आधार कार्ड पैन कार्ड ऑलरेडी आ गया है। नेशनलिटी आपने डालनी है कि आप इंडियन हो क्या है, उसके हिसाब से आपने अपनी यहाँ पे नेशनलिटी का वो जो एग्जाम्पल है वो आपने देना है। नॉमिनी आपने बनाना है, आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं, नॉमिनी का नाम हो गया, उसका जो आपका रिलेशन क्या है नॉमिनी का वो होगा, नॉमिनी का ही आधार कार्ड डलेगा, ठीक है। आधार कार्ड नॉमिनी का डलने के बाद आपने डॉक्यूमेंट वगैरह पहले से अपलोड है उसको सबमिट कर देना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, कैटेगरी। कैटेगरी में जाएंगे कि अगर आप जर्नल है तो जर्नल भरें, और अगर आपके पास PMYs का सर्टिफिकेट है तो वो भरें, अगर 5% का आपके पास कोटा है वो करें। आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है आई डू नॉट ऑन, यानी आपके पास कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो सेलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट करना है। उसके बाद हम चलते हैं जी आपके डॉक्यूमेंट वाली कैटेगरी के ऊपर, ठीक है, ये सबमिट हो गया। फिर चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे हमने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर आपको मिलेंगे, आधार कार्ड फ्रंट या बैक साइड का, ठीक है। तो आपने अपना आधार कार्ड और फ्रंट और बैक साइड का आपने अपलोड करना है। तो उसके पास अपलोड करने के बाद फिर हम अपलोड करेंगे पैन कार्ड को, इसी के अंदर सेलेक्ट होगा और यहीं पे आपकी एफिडेविट फोटो सब कुछ यहीं पे अपलोड होंगे। इसको फिर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अब डालेंगे पैन कार्ड, पैन कार्ड को अब अपलोड करेंगे। पैन कार्ड को अपलोड आप एक काम करना, अगर मान लीजिए आपके पास वैसे हैं तो फोटो उतार के फोन से अपने डेस्कटॉप में अपलोड कर लो, और फिर ये एफिडेविट है, एफिडेविट भी साथ में रखो, एक फोल्डर बना के रखो इन सभी डॉक्यूमेंट को एक साथ में, ठीक है। ये नहीं कि आप वो कर रहे हो फिर टाइम दे रहे हो, क्योंकि इस पे ऊपर टाइम चल रहा है, उतने टाइम के अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने हैं। जितने भी इस डॉक्यूमेंट इसके फोल्डर के अंदर अपलोड मांग रहे, जैसे हमने फोटो, एफिडेविट, अप्लीकेशन, जो भी हमने डालना था डाल चुके हैं अपनी डिटेल, ठीक है। उसके बाद हम एक बार चेक करेंगे डिटेल को, फिर दोबारा देखो ये टाइम चल रहा है ना, 16 मिनट, 16 डेज के अंदर हमें इसको भरना होगा। उसके बाद हमें कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फीस के उस पर जाएंगे। ये 590 रुपये की फीस है, ये रिफंडेबल नहीं होती है, ये आपकी पेड होगी, इसको पे कर सकते हैं आप, और पेमेंट आप पे कर सकते हैं बाई नेट बैंकिंग, गूगल, इंटरनेट बैंकिंग, जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं, फोन पे, पेटीएम, जिससे भी आप करना चाहते हो पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करने के बाद पेमेंट आई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, पेटीएम, फोन पे, गूगल, जो भी आपके पास है उससे आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जो बैंक का OTP आएगा, इस OTP को सबमिट करें और प्रोसेस है वो आगे हो जाएगा। जैसे ही ये पेमेंट डन होगी, आप यहाँ से एक रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपके पास भी ये ऑप्शन रहे, और ये एक मैसेज आपका जैसे डन हो जाएगी आपकी ईमेल आईडी के ऊपर भी जाएगा, ऊपर आ गया रजिस्ट्रेशन फीस पेड सक्सेसफुली, ठीक है। होने के बाद आप नीचे से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड, ठीक है। तो इसके अंदर आपको प्रॉपर डिटेल भी दिखेगी कि आपने कितने बजे पेमेंट की है, कितने की है, कौन से प्रोजेक्ट पे की। अब हम करेंगे अप्लीकेशन फीस को, सेम प्रोसेस इसमें भी जाएगा, टाइप जो सिलेक्ट शुरू में किया है वही ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटिक आपकी 5% की पेमेंट है वो शो कर देगा। और अब हम करेंगे पे इसको, क्योंकि मैं क्रेडिट कार्ड से कर रहा था इसको, तो क्रेडिट कार्ड से थोड़ा सा इजी होता है, इसलिए मैंने वहां से किया था, तो इसलिए ये बेनिफिट भी होता है। और इसके बाद जो भी पेमेंट है आपकी कंप्लीट जाएगी, वही OTP का प्रोसेस यहाँ पे आएगा। OTP करते ही आपने ये चीजें आपने कर लेनी है यहाँ पे, ठीक है। OTP डालते ही आपने सबमिट करना है, इसकी भी सेम प्रोसेस वही है कि आपकी एक ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी के ऊपर आपका कंफर्मेशन मेल जाता रहेगा। आपके पास हर प्रूफ, हर डॉक्यूमेंट साथ के साथ आपकी मेल के ऊपर जो भी एक्टिविटीज आप यहाँ कर रहे हैं वो मेल पे चला जाएगा, ठीक है। अप्लीकेशन फीस यहाँ पे सक्सेस हो गई है, इसको भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, कितने बजे, कितना अमाउंट, कैसे आपने किया, वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो दोस्तों आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो को साइड में चला के आप साथ के साथ ऐसे ही प्रोसेस पे काम करते रहिए, और साथ में आपकी अपनी डिटेल है वो आप
चेक करते रहिए, तो आप एक अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म, करेक्शन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन मैं भूल गया बताना आपको, जिसमें आपका आता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का एक ऑप्शन ये आता है कि आप किसके ऊपर डिपेंड हो, जो डिपेंड आप भर रहे हैं उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना डिपेंडेंट उसी का है। अब आगे हम फाइनल सबमिशन के ऊपर एग्री करके फाइनल सबमिशन हमने करना है, और आप नीचे देखेंगे इसमें विड्रो का ऑप्शन हमेशा रहेगा, विड्रो मत करना क्योंकि वापिस पेन से वापिस आ जाएंगे। ये रिसीप्ट आ गई सेव एज PDF, इसको डाउनलोड करके आप अपने पास रखिए, क्योंकि इसका नंबर और इसकी डिटेल ये आपके जो आएंगे आगे ड्रॉ होना है उसके अंदर आएगी। थैंक यू दोस्तों, शेयर कर। दोस्तों मेरे हिसाब से आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी, और आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन डन कर लिया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि ये वीडियो के लिए स्पेशली हम ऐसे प्लेटफॉर्म का, ऐसे दिन का इंतजार कर रहे थे, ताकि आपके लिए ये बहुत बड़ी समस्या का कारण है, हम क्योंकि कस्टमर के रिव्यू को चेक करते हैं। तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें पता होता है कि जैसे जैसे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सोल्यूशन लेके इस चैनल के ऊपर आ जाते हैं, और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे हेल्प मिले, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। और ज़्यादा अगर आप इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसे ऑप्शन आप ट्राई कर रहे हैं तो आप मिल सकते हैं, मिलके कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।